गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी का, और ये क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 हो चुका है। नो क्वेश्चन नंबर 18, अब तक आप तीन क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए इसको डायरेक्ट बनाते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और एक कमेंट जरूर करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा बनाना है या फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है। ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। सभी लोग एक कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। मिस्टर देवेंद्र एन एम्प्लॉई इन अ कंपनी एट दिल्ली इज ड्राइंग अ सैलरी ऑफ रुपीज 25,000 पर मंथ प्लस 10% ऑफ हिज सैलरी एट डियरनेस पे। ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ रुपीज 1,000 पर मंथ। ही हैज स्पेंड रुपीज 5,000 ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ द कंपनीज कस्टमर। ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 4,000। द हाउस इज ओन बाय द कंपनी। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद अ स्मॉल कार फॉर हिज पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज एंड ऑल द एक्सपेंसिज ऑफ इट्स रनिंग एंड मेंटेनेंस एंड ड्राइवर आर मेड बाय द कंपनी। देवेंद्र बोरो रुपीज 1,00,000 इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम हिज कंपनी टू कंस्ट्रक्ट द हाउस बिफोर 1 year। अज्यूमिंग दैट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज इंटरेस्ट ऑन सच लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर देवेंद्र फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है, जैसा 17 में बनाए थे सेम टू सेम ही है। बस यहाँ पर क्या है, बस एक लोन मिस्टर देवेंद्र है ना, उन्होंने कंपनी से लोन लिया है इंटरेस्ट फ्री लोन, उसमें कोई उसको इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगा, तो बस इसका ट्रीटमेंट सीखना है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत बन जाएगा, चीज़ें सीखते जाओगे, कुछ ना कुछ नया चीज़ें सीखने को मिलेगा हर क्वेश्चन में। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप पहले से सीख चुके हो तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बेसिक सैलरी, सैलरी मिल रहा है 25,000 इंटू 12, 3,00,000। उसके बाद उसको मिल रहा है डियरनेस पे 10% ऑफ सैलरी के बराबर। 3,00,000 की सैलरी है, उसका 10% हो जाएगा 30,000। ये हो गया डियरनेस पे। नेक्स्ट है ही इज गेटिंग एंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 1,000। आप लोग जितने क्वेश्चंस बना रहे हो सबको एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप रूल सीख पाएंगे और कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। हमें पूरा में पूरा मार्क्स चाहिए, इसलिए आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस इसको मिल रहा है 1,000 रुपया पर मंथ इंटू 12, तो ये हो जाएगा 12,000। और ये अपने कंपनी के कस्टमर पर 5,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं होता। हम लोग लास्ट क्लास में भी ये वाला क्वेश्चन देखे थे इस टाइप का। फिर ही इज प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, इसको एक अनफर्निश्ड हाउस भी मिल रहा है। अनफर्निश्ड किसको बोलते हैं, अगर आपको घर के साथ कोई फर्नीचर नहीं मिला, केवल खाली वाला घर मिला, तो उसको बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस। इसका करेंगे वर्किंग नोट। फिर उसको आगे क्या मिल रहा है, अच्छा इसका फेयर रेंटल वैल्यू है, इसका भी कोई यूज नहीं है। इसका हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे निकालते हैं, अगर घर एम्प्लॉयर का है तो फिर पॉपुलेशन कितना है सिटी का उसके हिसाब से निकालते हैं। तो ये दिल्ली में काम करता है मिस्टर देवेंद्र, तो दिल्ली की पॉपुलेशन 25,00,000 से ज़्यादा है, तो 25,00,000 से अगर ज़्यादा होता है तो फिर 15% ऑफ सैलरी लेते हैं, तो हम लोग निकालेंगे उसको। फिलहाल आगे देखते हैं, उसको एक स्मॉल कार भी मिला है, तो इसको लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार, ये वर्किंग नोट नंबर 2। फिर ये 1,00,000 रुपये का लोन ले रहे हैं कंपनी से, और इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब इसको कोई इंटरेस्ट वगैरह देना नहीं पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। तो इसका क्या रूल है हम ये आपको बताएंगे, इसका वर्किंग नोट कर दीजिए 3। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म। अब इसको जोड़ देंगे और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी, और ग्रोस सैलरी में लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन माइनस होता है, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 रुपये तक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, और एक प्रोफेशनल टैक्स। तो इस क्वेश्चन में बस एक ही माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपया, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं और प्रोफेशनल टैक्स क्वेश्चन में है नहीं। तो ग्रोथ सैलरी में जो आएगा उसको माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, उसको बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये तरीका होगा आपका बनाने का। अब आइए इसका वर्किंग नोट करें। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस। कुछ फॉर्मेलिटीज है, इसको आपको लिख के दिखाना होता है, आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते। लिखेंगे सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ रेंट फ्री हाउस इन दिल्ली सिटी विच इज ओन बाय द कंपनी, द एम्प्लॉयर लिख सकते हो या कंपनी लिख सकते हो, घर एम्प्लॉयर का है, एंड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, क्योंकि अगर ओन बाय द कंपनी होता है ना हाउस तो फिर पॉपुलेशन देखा जाता है, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज मोर देन 25, हेंस वैल्यू ऑफ दिस हाउस विल बी 15% ऑफ सैलरी। क्योंकि 25,00,000 से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो फिर क्या देखेंगे,
15% ऑफ सैलरी, वही उस घर की वैल्यू हो जाएगी। तो सैलरी का मतलब क्या होता है, वेयर सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस, ऐसे लेंगे। अब बेसिक सैलरी में क्वेश्चन में देखिए क्या है, बेसिक सैलरी आपके पास 3 लाख है, डियरनेस पे है 30,000, 3,30,000, बोनस क्वेश्चन में नहीं है, कमीशन भी नहीं है। लेकिन अदर टैक्सेबल अलाउंस में देखिए क्या है, अदर टैक्सेबल अलाउंस में इंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो ये सब अलाउंस नहीं है। कार मिल रहा है वो तो फैसिलिटी है, पर क्यूजिट से अलाउंस मतलब मॉनेटरी टर्म में अगर इम्प्लॉयर की तरफ से कुछ मिला है आपको तो उसको अलाउंस बोलते हैं, इसलिए इन सब को काउंट नहीं करते हैं। तो मनी की टर्म में जो मिला है उसको अलाउंस बोलते हैं। तो अलाउंस में इतना ही था, इसको जोड़ दीजिए 3,30,000 और 12, 3,42,000। तो 3,42,000 आपका सैलरी आ गया। अब इसका 15% निकालोगे वही उस घर की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस इक्वल टू 3,42,000 का 15%, 51,300। तो ये हो गया 51,300 रेंट फ्री हाउस का वैल्यू। तो इस तरीके से आपका लंबा चौड़ा कहानी बना के लिखना पड़ता है। वर्किंग नोट में आप ऐसे ज़रूर से लिखें, डायरेक्ट आपको नहीं लिख देना है कि 15%। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। मोटर कार का वैल्यूएशन आप कैसे करेंगे, कार देखिए कार जो है कैसे मिला था, एक स्मॉल कार मिला है दोनों पर्पज़ के लिए और सारे खर्च एम्प्लॉयर दे रहे हैं और साथ में एक ड्राइवर भी दे रहे हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं, इस बात को यहाँ पर लिखना होगा, सिंस एम्प्लॉई इज गेटिंग अ स्मॉल कार एंड विच इज यूज फॉर बोथ ऑफिस एंड प्राइवेट पर्पस हैंस एंड ऑल द एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग ड्राइवर आर पेड बाई कंपनी, एम्प्लॉयर लिख सकते हो, हैंस वैल्यू ऑफ दिस कार विल बी कंप्यूटेड एज अंडर। सारा खर्चा एम्प्लॉयर दे रहे हैं और उस कार का इस्तेमाल दोनों पर्पज़ के लिए हो रहा है, तो फिर उस केस में कार का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। स्मॉल कार का वैल्यूएशन होता है 1,800 रुपया × 12, और अगर ड्राइवर मिला है 900 रुपया × 12, 21,600, 10,800, दोनों जोड़ दो 32,400 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्मॉल कार। आप इसको हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, मिक्स करके भी लिख सकते हो, बस आपको बताना क्या चाहते हो वो आपको समझ में आना चाहिए। आप मेनली बताइए कि कार एक मिला या एक से ज़्यादा, उसके बाद उस कार का यूज कैसे हो रहा है वो बताओ, और उसके बाद बताओ खर्च कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है कि एम्प्लॉई खुद पे कर रहा है। इतना बताने के बाद 1800 होगा या 2400 होगा उसको बताना है। तो ये सारी बातें आप हिंदी में बताएं, इंग्लिश में बताएं, मिक्स करके भी बताएं चलेगा, लेकिन बताना ज़रूरी है। अब डायरेक्ट 1,800 × 12 करके नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दो 32,400। और देखो ये एक नया चीज़ आया है, ये तो पहले सब जानते हो कार का और रेंट फ्री हाउस का, एक नया चीज़ आया है लोन। एम्प्लॉई ने, मिस्टर देवेंद्र ने ना 1,00,000 रुपया का लोन लिया, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब उसको कोई इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, लोन लिया, उधार लिया कंपनी से और उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा। लेकिन यही चीज़ अगर वो बैंक से लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, तो बैंक वाला लोग उससे 10% का इंटरेस्ट लेते हैं, तो इसको कितना का फ़ायदा हुआ वो इसका इनकम माना जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन। तो लोन कोई इनकम नहीं है, लेकिन लोन लिया तो उससे उसको कितना का बेनिफिट हुआ वो उसका इनकम माना जाएगा। देखिए टोटल लोन 1,00,000 रुपया का लिया, इंटरेस्ट चार्ज बाय SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अगर वो लोन लेता तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ता, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कंपेयर करना होता है, किसी और बैंक से नहीं। तो ये 10% रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में रेट दिया हुआ ना हो तो आपको अपने से 10% एज्यूम करना है। तो अगर स्टेट बैंक से लोन लेता तो उसको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ता। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इन्होंने कंपनी को कितना इंटरेस्ट पे किया, नील, एक भी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट फ्री लोन था तो एक भी इंटरेस्ट पेड नहीं किया। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि 1% इंटरेस्ट पे करे, 2% पे करे, तो जितना भी इंटरेस्ट पे करेगा उसको यहाँ पर लिख देना। तो अगर SBI से लोन लेता तो 10,000 देना पड़ता, इसने कंपनी से लोन लिया तो एक भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, तो कितना का बचत हो गया, 10,000 का फ़ायदा हो गया।
बैंक से लेता तो 10,000 देना पड़ता ना इंटरेस्ट, लेकिन चूंकि कंपनी से लिया तो उसको एक भी इंटरेस्ट देना नहीं पड़ा, तो 10,000 रुपये उसका बच गया। तो ये जो 10,000 बच गया यही उसका इनकम माना जाएगा, टैक्सेबल इनकम। ये इसको फ़ायदा हुआ ना, इसको टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में इंटरेस्ट फ्री की जगह में 1% 2% मतलब सस्ते रेट पे कंपनी लोन देता है, तो एक सेम पैटर्न होगा। SBI का रेट निकाल लेना और फिर आप कंपनी को कितना इंटरेस्ट दे रहे हो वो निकाल लेना, उसका जो डिफरेंस होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 10,000 इसको फ़ायदा होगा, बस सबको जोड़ दीजिए, 330,000 12,000 51,332,400 और 10,000 सबको जोड़िए, आपका आ जाएगा ग्रोथ सैलरी। सबको जोड़ने पर आ रहा है 435,700, उसमें से 50,000 माइनस कर दीजिए, 35,700। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।